आप इग्नू के ओपन डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट हैं और अपनी असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर ऑफलाइन या ऑनलाइन जीमेल आईडी और गूगल फॉर्म द्वारा सबमिट कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपसे जानकारी साझा करेंगे कि आपको अपनी एंड रिटर्न सोल्ड असाइनमेंट के साथ और क्या क्या दस्तावेज लगाने होंगे। नंबर एक, फ्रंट पेज, जिसमें आपके स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम, इनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स कोड, सेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी की डिटेल देनी होगी। नंबर दो, रजिस्ट्रेशन या एडमिशन स्टेटस पेज, जिसमें आपका एडमिशन स्टेटस तथा कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल होती है, जिससे पता चलता है कि आप सही स्टडी सेंटर में अपनी असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत स्टडी सेंटर में असाइनमेंट जमा करने पहुंच जाते हैं। नंबर तीन, स्टूडेंट आईडी कार्ड। नंबर चार, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर एवं एंड रिटर्न सोल्ड असाइनमेंट। जब आप ऑफलाइन असाइनमेंट जमा करने जाए तो ध्यान रखें कि बहुत से स्टडी सेंटर प्लास्टिक फाइल कवर में असाइनमेंट स्वीकार नहीं करते हैं, इसकी जगह पर आपको पेपर से बने फाइल कवर का इस्तेमाल करना होगा।